सनी बेटा जल्दी से उठो, 10 बज गए, स्कूल कौन तुम्हारा बाप जाएगा? यार अम्मी अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, स्कूल 8 बजे है, अब सोने दे यार। अरे 5 कहाँ बजे हैं, मुझे तो 10 नजर आ रहा है। सारी रात ये नेटफ्लिक्स देख देख के ना तुम्हारी आंखें बिल्कुल खराब हो गई हैं। चलो उठो आके नाश्ता करो, पराठे बनाए मैंने गरम गरम। अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो कोई नाश्ता नहीं मिलेगा, जल्दी उठो। शाबाश सनी भाई, डैडी इज सेइंग यू नीड टू वेक अप और अदरवाइज ही विल कम एंड बीट यू अप। बंटी मुझे तंग ना करो, जाओ यहाँ से। I will tell the police on you guys that you guys are beating up innocent child. You guys are all rot in jail. जब आप गहरी नींद में सो रहे हो और एकदम से आपके ऊपर से कोई कंबल उतार लेता है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। Anyways, इसके बाद मैं नाश्ता करने गया नीचे और मेरे अबू शुरू हो गए किसी बात में। Assalamualaikum dad. वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम लोग को पता है जब हम लोग स्कूल जाते थे अपने जमाने में कितनी मुश्किल से जाते थे, आग की दरिया के ऊपर से छलांग मार के मैं गया हूँ स्कूल। What? और कभी कभी तो इतना बुरा हाल हो गया था कि एक दफा मैं 10 मील ऊपर पहाड़ पे चढ़ के विंटर में, वो भी स्नो में, क्या चढ़ के जो है मैं स्कूल गया हूँ सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन के लिए। And I drove like 20 hours to get to the mall. So what's your point? तुम लोगों ने मजाक किया हुआ स्कूल का, मेक फन किया हुआ। मैं और मेरा दोस्त रोज सुबह 3 बजे अपने घर से निकलते थे, एवरी सिंगल डे। पूरे 3 पहाड़ दूर था हमारा स्कूल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। कभी कभी तो आर्मी की मदद कर दिया करते थे फायरिंग करने में, लड़ाई करने में, जंग करने में। ये ज़्यादा हो गया आर्मी। After all, जो स्विमिंग करने में एंटार्क्टिक ओशन के अंदर मैंने जो है छलांग मारी एक दफा, टाइटैनिक को बचाने की कोशिश की है, वो भी नहीं बच सका। इतनी जो है एडुकेशन के ऊपर जो मैंने फोकस किया। टाइटैनिक? अबू स्कूल जाते थे कि जंग पे? तुम लोग ने ऐसी उदास शक्ल बनाई हुई है स्कूल जाने से पहले, थोड़ा एक्साइटिंग हो बेटे। तुम लोग का पहला दिन है, यू आर लर्न समथिंग न्यू। हाँ जी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अबू, लेक्चर सुनने के लिए, होमवर्क करने के लिए, एग्जाम करने के लिए, बहुत दिल चाह रहा है। स्कूल नहीं जाओगे तो अपने फादर की तरह सक्सेसफुल कैसे बनोगे? बट इफ यू वेंट टू स्कूल देन व्हाई आर यू स्टिल सो डम? बटे बकवास बंद कर अपनी, चलो इसको भेज स्कूल जरा बदतमीज को। पर अम्मी ये इतना ऑयल आपने डाला हुआ है खाने के अंदर, ये क्या है? मैंने अभी इतना डाइटिंग कर रहा हूँ मैं, इतना भी मैंने वेट लॉस किया समर ब्रेक के अंदर। I know, right? Like there's so much oil in our food. बेटा ये ऑयल नहीं पानी है, इसमें डूब के मर जाओ, मत खाओ फिर। I will only eat low carb, gluten free, low protein, low fat, avocado juice. एक सेकंड, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम क्या क्या खाना खाती हो? एक काम करो मुझे कहीं छोड़ो जाके, मत जाती हूँ मैं। I'm not staying with a fat family, okay? Especially you, Dad. You have a stomach. Like that's so embarrassing. मुझे पता है तुम लोग को मेरी ज़रूरत नहीं है। मत खाओ मेरे खाने तुम लोग, मत खाओ, मार दो मुझे। एक तो अम्मी बात-बात पे emotional हो जाती हैं और अब्बू गुस्सा। अच्छा अच्छा अम्मी खा रहा हूँ, क्या हो गया? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, शाबाश मेरा मेरा प्यारा बेटा, खाओ खाओ। आजकल के बच्चे डाइट के नाम पे घास फूस खाते हैं, इसलिए काम करने से पहले ही थक जाते हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ गाँव में झाड़ू लगाती थी, पता नहीं कितने 20-30 साल से मैं काम कर रही हूँ और आज तक नहीं थकी। लेकिन पूरे गांव में झाड़ू मारने की क्या जरूरत थी भाई? अब टाइम था स्कूल जाने का और क्लास के अंदर जाते ही मैंने अपने टीचर को नोटिस किया। अरे भाई टीचर को क्या हो गया है? टीचर को क्या हो गया? ऐसा का वैसे ही लग रहा है इसके, लेकिन बाल कितने लंबे हो गए पता नहीं, डेली की स्पीड से उगते जा रहे हैं। हाँ वो भी सीने से निकल। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू स्कूल। सबका कैसा था हॉलीडे, समर हॉलीडे? गुड 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 गुड। सर आपके इतने बाल क्यों निकले हुए हैं सीने से? वो क्या मतलब भाई, मेरे बाल है मेरी मर्जी, एक मर्द की निशानी है ये बाल। ओ। और दूसरा मेरी बीवी को बड़े पसंद है। बीवी को पसंद? इस तरह करके वो पकड़ के बाल मेरी सोती है वो, ठीक है? जी सर जी। दूसरी चीज, तुम इस तरह के सवाल पूछोगे ना अगली दफा, सबसे पहले तुम्हें फेल करूंगा मैं। सॉरी सर। एनीवेज क्लास, सारे मुझे बताओ कि सबका हॉलिडे कैसा गया? सर मेरी तो ब्रेक बड़ी अच्छी रही थी, पेरिस गए थे फैमिली के साथ। पेरिस? ओह हमेशा मुझे वहीं जाना था, हनीमून पे शायद चले जाऊं। नेक्स्ट। सर मैंने तो स्विमिंग सीखी थी और सीखते गिनीज बुक रिकॉर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुपर। नेक्स्ट। सर हम नियाग्रा फॉल गए थे, वहाँ पे बहुत मजा आया था। नेक्स्ट। टीचर बारी बारी हर स्टूडेंट से उनका एडवेंचर पूछ रही थी कि उन्होंने समर ब्रेक में क्या क्या किया। कोई जापान गया हुआ था, कोई चाइना। मैं तो बेड से नहीं उठा अपने, तो मैं क्या कहता। हाँ सनी तुम बताओ।
सर एक मिनट सोचने दें जरा। ओ क्या एक मिनट कोई मैंने मैथ का तुमसे सवाल नहीं पूछ लिया, जल्दी बताओ। शाबाश सर, वैसे मैं तो सारा वक्त सो रहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो बच्चों, दिस इज प्योर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू शुड नॉट डू। आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को कुछ करना चाहिए। ये एग्जाम्पल है, इसकी शक्ल देख लो इस बच्चे की, कभी इस जैसा नहीं बनना। इसके बाद मेरी टीचर ने हम सबको सरप्राइज टेस्ट दे दिया। ओ भाई, पहले दिन पे कौन देता है सरप्राइज टेस्ट? We have a surprise test today. अबे यार ये फिर से? पहले दिन पे टेस्ट। सुबह सुबह का टाइम आ गया दोबारा से लेके। ये लो बच्चों, कोई भी जो है चीटिंग ना करे। फोकस फोकस। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? इधर क्या, ये कोई गेम नाइट लगी हुई इधर है? पागलों की तरह 59 इयर्स की तरह मैं टीच कर रहा हूं इधर। सर सॉरी। If you fail this one, I'll kill you. ये क्या कर रहे हैं? Sorry. सर, इसमें लिखा हुआ है how many hairs does Mr. Khalid's chest have? इसका क्या मतलब है? और टीचर तुम हो या मैं? सॉरी सर, आप हैं टीचर। पता नहीं सर ने इतना अजीब सा सवाल क्यों लिखा टेस्ट के ऊपर। बाल के बारे हमें क्या पता भाई? No talking. डायरेक्ट काम करो अपना सब। चलो शाबाश, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो डार्लिंग, अस्सलाम वालेकुम। अरे हाँ हाँ, मैं स्कूल में ही हूँ। अरे छुपाए हुए बाल, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा ही है सिर्फ। You. Sorry, sir. क्या भाई, ख्वाबों में तुम गायब हो, अपने दोस्त से बातें कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो तुम? Sorry, sir, मैं ऐसी सोच रहा था। Shut up! Get out of my class. अरे सर, मैं तो बात भी नहीं कर रहा था इससे। I don't care. Get out. सर प्लीज, मैंने तो शुरू भी नहीं किया अभी। सर निकलो अभी और इसी वक्त। सर ये आपका स्कूल नहीं है, आप इधर सिर्फ काम करते हैं। आजकल के बच्चे इतने बदतमीज, नो मैनर्स। कितनी अजीब सी क्लास थी यार, दिमाग खा लिया उस टीचर ने मेरा। अबू मैं स्कूल जा रहा हूँ, थोड़े पैसे मिल जाएंगे? जाओ बेटा, मेरे कमरे के अंदर एक रेड फाइल पड़ी हुई है, वो लेके आओ। घर तो पूरा तुम्हारे नाम पे कर देते हैं। अबू मैंने घर नहीं, लंच के लिए पैसे मांगे हैं। चुप कर, एक रुपया नहीं मिलेगा तुझे। एक्चुअली यार, मैं घर से हैवी ब्रेकफास्ट करके आया था ऑलरेडी। एक तो मेरे पेरेंट्स इतने ड्रामेटिक हैं, छोटी सी बात कहां से कहां ले जाते हैं। ओ कहां से कहां, बात नहीं कोई लेके जाता। मैंने तो कभी अपने अबू से पैसे नहीं मांगे, और मेरे अबू ने उनके अबू से कभी पैसे नहीं मांगे, और इस तरह जनरेशन पे चलती गई है ये। इनके खानदान वालों को तो कोई पैसा नहीं देता था भाई, ये तो खुद ही नोट अपने बना लेते थे, इसलिए तीन मुल्कों से निकाले गए और पाकिस्तान के अंदर भी एंट्री नहीं मिली थी इनको। हाँ जी, कितना झूठ बोलती है ये। शायद आ जाए, पता नहीं कहां से कहां खुद अपने अपने सब बातें बना ली इसने। ऐसा हो सकता है कभी? तूने उसका नहीं डालना शायद का, मेरा इंटरव्यू ले सर, बस दैट्स इट, ठीक है? ओ मेरा बेटा आ गया वापस घर, कैसा रहा आज का दिन? बस अम्मी ठीक था, थक गया हूं काफी। अब मैं पूरा दिन स्कूल में गुजार के फाइनली घर आया था, और आते ही मेरे साथ सारे शुरू हो गए भाई। एओ, तुम कहीं और जाके लेट हो, गो अवे, गो ले समवेयर एल्स। उठ उठ बदतमीज, चल नीचे कारपेट पे लेट, अपनी बहन को आराम करने दे। शाबाश। एक तो अब्बू शबाना की इतनी साइड लेते हैं कि उनका बस चले तो शबाना को सर पे बिठा के अपने चले हर जगह। ये सनी और बंटी की बचपन से मेरी जायदाद पे नजर है, लेकिन मैं इनको एक पैसा नहीं दूंगा, सारा कुछ मेरी बेटी के पास जाएगा। जैसे बंटी की स्कूल से शिकायत आई थी, तुम्हारी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? But hey, I didn't do anything. Stop blaming me. चुप करो बंटी, बदतमीज। शायद तुम कुछ समझाती नहीं हो उसको, क्या ये 24 घंटे रोता रहता है? ठीक, समझाऊं भी मैं, खाना भी मैं बनाऊं, सफाई भी मैं करूं, सारे काम मैं कर लेती हूं, तो ऐसा करें ना, वो मासी का यूनिफॉर्म लिया है वो मैं पहन के घूम लेती हूं घर में। शादी से पहले इन्होंने बोला था कि काम करने के लिए मासी रखेंगे घर के अंदर, और शादी के बाद मुझे मासी बना लिया, वो भी बिना सैलरी के। अरे ऐसा किसने बोला, मुझे तो कोई बात याद नहीं है मासी के बारे में, और सैलरी की कोई बात होती है तो मैं कुछ नहीं दे रहा भाई उसको।
बस मेरा जहेज वापस करे, मैं चले जाती हूँ यहाँ से। तुम ये हर बार जहेज की क्यों बात करती हो? जहेज बेच के तो मैं कनाडा लेके आया हूँ सबको, है वो भूल गई? अच्छा बस बस, आप लोग तो ना लड़े। अब पहले मेरा स्कूल में इतना दिमाग खराब हुआ, अब घर आके भी थक गया हूँ यार। तू जरा ना एक अपार्टमेंट देख अच्छा सा, ठीक है? किस लिए? इधर आपको आराम चाहिए ना, तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। अबू कब सीरियस होते हैं कब नहीं, मुझे तो कभी समझ नहीं आती। अब अपार्टमेंट की क्या जरूरत है हमें? हाँ, बैल्कनी वाला विद ओपन किचन। हाँ जी, और बैल्कनी के नीचे एक खाई होनी चाहिए, ताकि जब मैं तुम्हारी माँ से तंग आ जाऊँ, मैं बैल्कनी से छलांग मारूँ जाके। एक तो पहले इतने मसले हैं दुनिया के, काम की टेंशन, पैसों की टेंशन, फिर इमरान खान को जेल में डाल दिया, बीवी बच्चों की टेंशन। अब मैं तो कहता हूँ इंसान कभी शादी ना करे। ट्रस्ट मी, ये आई विल लिव विद यू इन द अपार्टमेंट, वी विल लिव टुगेदर। वो कौन सा अपार्टमेंट? मेरी किडनी लिवर सब बेच दो, फिर भी कोई अपार्टमेंट नहीं आएगा, ठीक है? But you said you are gonna buy a new apartment, you are gonna move, you are always liar. मजाक कर रहा था सिर्फ, गुस्से में बोला था मैंने, गुस्से में दिल की बात निकाली है। सनी तुम अपार्टमेंट ढूंढो, मैं अब लोन कहीं ना कहीं से ले लूंगी, ठीक है? अजीब पागल खाना है ये, तुम सारे पागल हो, तंग आ गया हूं मैं। वी आर नॉट क्रेजी, यू आर क्रेजी। यू कल ही शिफ्ट हो जाना अपार्टमेंट, ठीक है? दफा हो सारे, गो अवे। गुड मॉर्निंग अम्मी। सनी बेटा जल्दी से प्लेट पकड़ो, नाश्ता करो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। शाबाश। ओ अम्मी, आज स्कूल बंद है, मैथ्स टीचर है ना उनकी शादी है आज, तो सारे टीचर्स वहां गए हैं। हे, आई वांट टू गो टू वेडिंग, आई वांट टू डांस। चुप करो बट्टी, सुबह सुबह तंग ना करो मुझे। Ew, mom, मैं अंडे नहीं खाऊंगी, don't make eggs for me, okay? Make me a salmon almond buttercup egg without the egg and yolk, okay? कच्चे छिलके खा लो फिर। बढ़िया है, सैल्मन ऑलमंड बटर कप देखा है नहीं कभी जिंदगी में। Dad, they're laughing at me. Got you. मिस्टर खालिद, अरे यार मर गया। अस्सलाम वालेकुम खालिद सर, कैसी चल रही है शादी? शादी? कौन सी शादी? ये बच्चे बता रहे थे आपकी शादी है आज। और क्या मेरी? अरे नहीं नहीं भट्टी साहब, मैंने तो सनी की कंप्लेंट और अफसोस करने के लिए फोन किया था। जब कंप्लेंट करनी है तो अफसोस किस बात का, दिल खोल के करें कंप्लेंट। एक्चुअली सनी अपने टेस्ट में कल चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है और स्कूल बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो सस्पेंड कर रहे हैं। क्या सस्पेंड? अफसोस आपके अब्बू की डेथ हुई है, सुना है सनी बता रहा था। क्या ट्रेजिक डेथ भट्टी साहब? सनी, हेलो भट्टी साहब, तूने क्या बताया अपने टीचर को? तेरे दादा अबू मर गए हैं? अबू नहीं, अबू 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 नहीं, अबू अबू नहीं, अबू अबू नहीं, अबू अबू नहीं। So much for watching this video. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी स्माइल आई हो, make sure you guys subscribe and thumbs up or comments, guys. Everyone comment. 3,000 comments on this video. I'm reading all of them. And I love you guys and I'll see you guys in the next one. Allah Hafiz. Get out. Nikal.